जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, भाजपा का काम है धर्म की राजनीति करना, लोगों को गुमराह करना। जब वो उन विकास की बात नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते, तो वो धर्म को बीच में ले आते हैं। और हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया कि भाजपा, आप सिर्फ अडानी जैसे लोगों को फायदा दे सकते हो। गरीब जनता की आवाज सुनने वाला कौन है? सिर्फ राहुल गांधी। अरबों रुपए का घोटाला हो गया, अरबों रुपए घटक गए, उसका जवाब देना भाजपा ने मुनासिब नहीं समझा। कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे भाजपा के लोग, हिंदू और मुसलमान की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हर मजहब को मानने वाली पार्टी है। वो मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। जनता की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे, चाहे हमारे पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, और ना हम डरते हैं। हम लोग यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर आए हैं, जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता को लेकर भाजपा के बीच में रखा। जनता की लड़ाई लड़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए, ना डरे थे गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। बजरंग बली को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति भले ही कर्नाटक में शुरू की गई थी, लेकिन उसके क्या असर हुए हैं ये आज आपने सबने देखा। कांग्रेस तकरीबन फुल मेजोरिटी की तरफ बढ़ चुकी है और कांग्रेस दफ्तर में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुद बजरंग बली के रूप में अवतरित हुए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विपिन अमरोल काकी है। विपिन जी, विपिन जी, बड़ी शानदार वेशभूषा आपने ली है, बजरंग बली की वेशभूषा में आप यहाँ आए, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर आए हैं, जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता को लेकर भाजपा के बीच में रखा, लेकिन भाजपा के लोगों ने हमेशा उसका नकारात्मक जवाब दिया। आज कर्नाटक की जनता ने उस बात को समझा, उसका जवाब दिया। कर्नाटक की जनता आज कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है। आज जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे भाजपा के लोग, हिंदू और मुसलमान की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हर मजहब को मानने वाली पार्टी है। वो मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लोग हैं। आज राहुल गांधी जी ने उस मुद्दे को लेकर सभी बातों को रखा करा। आज कर्नाटक के अंदर SC ST ब्राह्मण जैन जो भी अन्य जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सब ने भारी बहुमत से कांग्रेस को वोट करा और हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया कि भाजपा, आप सिर्फ अडानी जैसे लोगों को फायदा दे सकते हो। गरीब जनता की आवाज़ सुनने वाला कौन है? सिर्फ राहुल गांधी। आज कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है और आने वाला समय 2024 का लोकसभा का कांग्रेस का है। ये हिंदुस्तान और कर्नाटक की जनता ने इसका आह्वान कर दिया। वहाँ की समस्याओं को समझा, हिंदुस्तान की बातों को सुना, अडानी जैसे मुद्दों को सुना। आज अरबों रुपये का घोटाला हो गया, अरबों रुपये घटक गए, उसका जवाब देना भाजपा ने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने आज हिंदू और हिंदुत्व की बात करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी। वहाँ की जनता ने, पढ़ी लिखी जनता ने उसको नकारा। अरे हनुमान राम तो हर मजहब के देवी देवता तो दिलों के अंदर हैं, दिखाने से बात नहीं बनती। ये कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया और उनका जो हिंदुत्व की बात करते थे उनको दिखाया। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तानी है, यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, वो सब मजहब को मानते हैं, करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका सम्मान करती है। आज उसका आशीर्वाद कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को दे दिया है। सारा संगठन, सारे संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी जो मुहिम छेड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा की, उसका असर आज हिंदुस्तान के अंदर नजर आने लग गया है। कर्नाटक की जनता ने भटकी नहीं, इन्होंने उसका उन्होंने मुद्दे उठाए, देवी देवताओं को भाजपा के लोग बीच में लाए, लेकिन आज राम की कृपा से हनुमान ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और सभी का बहुत बहुत कार्यकर्ताओं का और हम सभी का, हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे ही जनता की लड़ाई लड़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए, ना डरे थे गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। भाजपा का काम है धर्म की राजनीति करना, लोगों को गुमराह करना। जब वो उन विकास की बात नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते,
तो वो धर्म को बीच में ले आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता घर में रोज पूजा पाठ करती है, वो बजरंगबली की पूजा भी करती है, वो लक्ष्मी की पूजा भी करती है, वो गणेश की पूजा भी करती है और अन्य सभी जो हमारे हिंदुस्तान के 3300 करोड़ देवी देवता हैं सभी की पूजती है। और कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भाजपा के आज मुंह पर, आज भाजपा को इस पर मंथन करना चाहिए, लोगों के बात को सुनना चाहिए, रोजगार के मुद्दों को सुनना चाहिए, रोजगार उसी का आशीर्वाद है। आज कांग्रेस की बात लोगों के बीच में जा रही है, कांग्रेस ने रोजगार की बात रखी है, युवाओं की बात रखी है, उसी का अंदेशा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस तो मैंने कहा आपको क्या कहा, हम सत्ता में रहे ना रहे लेकिन जनता की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे, चाहे हमारे पीछे CBI लगा दो, ED लगा दो, और ना हम डरते हैं, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, पेट्रोल बढ़ेगा उसको भी उठाएंगे, डीजल बढ़ेगा उसको भी उठाएंगे, सब्जी के रेट बढ़ेंगे उसको भी उठाएंगे, जहाँ जहाँ मुद्दों महंगाई की बात आएगी वहाँ उनको उनसे उनके लिए लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, यही हमारा संदेश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो हर्षोल्लास है वो आप देख सकते हैं, साफ जो है यहाँ दो तरह की चीजें देखने को मिल रही है, एक धड़ा पूरा का पूरा ये है जो मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका श्रेय देता है, लेकिन बड़ा जो तबका है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इसका श्रेय देता है और कहता है कि कांग्रेस की जो फुल मेजोरिटी आज मिली है उसमें भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की जो मेहनत था उसका साफ रंग है। कांग्रेस के इस दफ्तर में हम आज 24 अकबर पर मौजूद है और आप यहां देखेंगे कि बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं, हर्षोल्लास का माहौल यहां पर है।